टेरागाछ नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से टेरागाछ प्रखंड होकर बहने वाली कनकई गोरिया और रेतवा नदी अभी नदियों में आया बाढ़। प्रखंड के निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जिससे लोग रात भर जागते रहे। लोग जान बचाने के लिए रात से ही घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। बताते चले कि भोरा पंचायत के फुलवड़िया आशा, झुनकी मुसारा पंचायत के ढप्पो टोला, हाथीदेता ढबी रोजावाड़ी दर्जन टोला, हवाकोल पंचायत के हवाकोल, खुजुरवाड़ी गड़ी टोला, चिलनिया पंचायत के भवनगमा, चिलनिया सुइया कोटी टोला, देवरी आदिवासी टोला मटियाड़ी और डाक पोखर पंचायत के डुमरिया गर्रा टोली, बैसा टोली, सुंदरवाड़ी खटिया टोली, मटियाड़ी हाट बस्ती कुर्रा टोली, बावन टोली, माली टोला, शेरनिया डाक पोखर, बेनुगर धादर रामतपुर कालापाड़ धप्पर टोला आशा कौवा टोली दर्जन टोला पैक टोला फुलवाड़ी फुलवड़िया बाजार पोशाक टोली खिकिट टोली गमरिया कुआरी हवाखोल खुजुरवाड़ी दर्जनों गांव जलजगमन है। निरंतर हो रही बारिश की गांव के लोग भयभीत है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द बचाव एवं राहत कार्य कराने की अविलंब मांग की है, जिससे दर्जनों गांव के बाढ़ से प्रभावित परिवार को बचाया जा सके। नदी में आई बाढ़ से झुनकी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, वहीं टेरागाछ के भी मुख्य सड़कों के ऊपर से बाढ़ का पानी गुजर रहा है। कई जगह सड़क पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। आगमन बाधित लोगों का प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय स्तंभ पर पूरी तरह से टूट चुका है। विद्युत सप्लाई ठप होने से घरों में अंधेरा और लोगों को मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। भोरा पंचायत सीसागाछी बांध टूटने की कगार पर स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी डाला जा रहा है। अंचल अधिकारी अजय चौधरी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग जगह बाढ़ का जायजा लिया जा रहा है। हल्का कर्मचारी को रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है। फिलहाल सूखा राशन वितरण का लेकर पैकेट मारने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं वहाँ नाव भेज दिया गया है और NDRF की टीम भी जल्द पहुँच रही है। वही अजय चौधरी ने बताया कि जिन जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया उन परिवारों को कम्युनिटी किचन शुरू कर दिया गया है। वो व्यक्ति कम्युनिटी किचन में सेंटर में खाना खा सकते हैं। ज्ञात हो कि वही किशनगंज ADM ब्रजेश कुमार ने आज टेरागाछ प्रखंड मुख्यालय का दौरा किया और आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की आयोजित किया। साथ ही साथ टेरागाछ में बाढ़ को लेकर भी समीक्षा किया। बताते चले कि 24 अक्टूबर को ग्राम पंचायत चुनाव होना है, जिसमें अभी कई पंचायत के लोग प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई जगह पर प्रधानमंत्री सड़क सहित पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया। पंचायत चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हैं लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाका का जायजा ले रहे हैं। साथ में अंचल अधिकारी अजय चौधरी, थाना अध्यक्ष तरुण कुमार, तरुण एस प्रखंड के अलग अलग पंचायत के बाढ़ ग्रस्त का जायजा ले रहे हैं। टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में बाढ़ की स्थिति भयावह है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगह जाने में विवश है। कई लोग विद्यालय में शरण ले चुके हैं। लगातार हो रहे कई दिनों से बारिश की वजह से प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में बाढ़ जैसी उत्पन्न हो गई है। लोग काफ़ी परेशान है। तस्वीरों में देख रहे हैं, कोई घरों को तोड़ रहे हैं, कोई सामान निकाल कर बाहर निकाल रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान है। टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग परेशान है। वही टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र चिलनिया पंचायत के लोग रतवा नदी की कटाव से भयभीत है। टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र में रतवा नदी में बाढ़ आने से नदी किनारे गांव के लोग भयभीत है। बताते चले कि चिलनिया पंचायत स्थित उत्तरवाहिनी देवरी खास कोटी टोला देवरी सुइया गांव हाट गांव आदिवासी टोला रतवा नदी के कटाव की जद में। वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक 14 घर नदी में काल की गाल में पूरी तरह से समा गया है, पर आज तक आदिवासी मोहन गाँव के कोई प्रकार की आर्थिक सहायता के रूप से नहीं मिला है। आज तक आपदा विभाग और जल निशन विभाग के तरफ से कटारोधक कार्य भी नहीं किया गया। इस बार परिवारों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। वहां के ग्रामीण बताते हैं कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि उदासीनता के रवैये उजागर करता है। गरीबी की मार झेल रहे हम परिवारों को केवल आज तक लोग भरोसा देने आते हैं, हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे। वहीं झुनकी मुसारा पंचायत के ढप्पर टोला आशा गाँव कनकई नदी की कटाव की चपेट में, वहीं फुलवड़िया बाजार कनकई नदी की कटाव की चपेट में, ढवेली पंचायत के दर्जन टोला नदी कटाव की चपेट में, वहीं मटियारी पंचायत के सुंदरवाड़ी
इत्यादि गांव नदी की कटाव की चपेट में। लगातार हो रही बारिश की वजह से नेपाल तराई इलाके में पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके में पानी का सैलाब डूब गया। वहीं फसल भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगह जाने में विवश है। कई लोग विद्यालय में शरण लिए हैं। वहीं टेरागाछ अंचल अधिकारी अजय चौधरी, थाना अध्यक्ष तरुण कुमार तरुण ने लगातार बाढ़ग्रस्त इलाका का दौरा कर रहे हैं। वहीं टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत के जनप्रतिनिधि प्रत्याशी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाके में बने हुए हैं। लोगों की हर संभव प्रयास मदद करने की प्रयास कर रहे हैं। बताते चले कि टेरागाछ में 5वें चरण के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान है। ऊपर से ही बाढ़ की मार से लोग झेल रहे हैं। टेरागाछ नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से टेरागाछ प्रखंड होकर बहने वाली कनकई गोरिया और रेतवा नदी अभी नदियों में आया बाढ़। प्रखंड के निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जिससे लोग रात भर जागते रहे। लोग जान बचाने के लिए रात से ही घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। बताते चले कि भोरा पंचायत के फुलवरिया, आशा, झुनकी, मुसारा पंचायत के ढप्पो टोला, हाथीदेता, ढबी, रोजावाड़ी, दर्जन टोला, हवाकोल पंचायत के हवाकोल, खुजुरवाड़ी, गढ़ी टोला, चिलनिया पंचायत के भवनगमा, चिलनिया, सुइया, कोटी टोला, देवरी, आदिवासी टोला, मटियाड़ी और डाक पोखर पंचायत के डुमरिया, गर्रा टोली, बैसा टोली, सुंदरवाड़ी, खटिया टोली, मटियाड़ी हाट बस्ती, कुर्रा टोली, बावन टोली, माली टोला, शेरनिया, डाक पोखर, बेनुगर, धादर, रामतपुर, कालापाड़, धप्पर टोला, आशा, कौवा टोली, दर्जन टोला, पैक टोला, फुलवारी, फुलवरिया बाजार, पोशाक टोली, खिकिट टोली, गमरिया, कुआरी, हवा खोल, खुजुरवाड़ी, दर्जन गांव जलजगमन है। निरंतर हो रही बारिश की गांव के लोग भयभीत है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि से जल्द बचाव एवं राहत कार्य कराने की अविलंब मांग की है, जिससे दर्जनों गांव के बाढ़ से प्रभावित परिवार को बचाया जा सके। नदी में आई बाढ़ से झुनकी